खेसारी लाल यादव की बोलती बंद कर दी उनके पिता मंगरू यादव ने। जी हाँ, आप सबको पता है कि मंगरू यादव भी खेसारी लाल यादव की तरह गाते अच्छा हैं। और आपको बता दें कि मंगरू लाल यादव इन दिनों बहुत सारे कवि सम्मेलनों, बहुत सारे स्टेज शो पर जा रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लोग मंगरू यादव की परफॉर्मेंस को बहुत पसंद भी कर रहे हैं। ऐसा ही मौका हुआ दिल्ली में, जब दिल्ली में एक स्टेज शो के दौरान मंगरू यादव को बुलाया गया स्टेज पे। उस स्टेज पे मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव और भोजपुरी जगत के कई बड़े दिग्गज मौजूद थे। स्मृति सिन्हा ने मंगरू यादव को स्टेज पर लाया और जैसे ही उन्हें माइक थमाया, मंगरू यादव अपनी कविताओं का संग्रह लेकर शुरू हो गए। और तो और, खेसारी लाल यादव उनके बाजू में ही खड़े थे। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव की माताजी भी इन सब चीजों को देख बहुत मुस्कुरा रही थी। आपको बता दें कि मंगरू यादव को गाने का बहुत शौक है। और तो और, खेसारी लाल को यह कला उन्हीं से मिली है। मंगरू यादव ने बताया कि कविताएं वो आज से नहीं, बहुत पहले से किया करते थे। भिखारी ठाकुर के वो बहुत बड़े प्रशंसक हैं, इसलिए तो कविताओं में तंज कैसे कसना है ये उन्हें बखूबी आता है। खैर, बात फिर स्टेज शो की करते हैं। कई बार तो मंगरू यादव ने खेसारी लाल यादव को भौचक्का कर दिया। खेसारी लाल यादव सोच भी नहीं सकते थे कि पिता इतनी अच्छी कविता कहते हैं और इतनी अच्छी जानकारी रखते हैं भोजपुरी के बारे में। वैसे खेसारी लाल यादव को ये पता था कि उनके पिता बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा समा बांध लेते हैं, लेकिन इतना अच्छा गा लेते हैं उन्हें बिल्कुल पता नहीं था। वो जैसे जैसे अपनी कविताओं का तुक बनाते, तुकबंदी करते, वैसे वैसे खेसारी लाल यादव की हंसी छूट जाती। उन्हें ये देख बहुत अच्छा लग रहा था कि पिता ने इस उम्र में ही सही, लेकिन अपने शौक को मरने नहीं दिया। नहीं तो जिंदगी में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जहां इंसान थक हार जाता है, अपनी कला से समझौता कर लेता है। लेकिन मंगरू यादव ने जिंदगी के हर थपेड़े को पार किया और अब अपने कविता के शौक को जिंदा रखते हुए उसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।